अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेबीज़ के बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश ड्रेसेस लेकर आई हूँ। जो शादी फंक्शन हो, पार्टी फंक्शन हो या कोई भी इवेंट हो, तो आप अपने बेबीज़ को पहना सकती हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो वो कर ले। व्यूअर्स, ये देखिए शर्ट कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से आप स्लीव्स बना लें, जैकेट नुमा भी। हम आपको बहुत सी डिज़ाइनिंग दिखाते हैं ताकि आप जिस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहें उस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें। और जब आप इस तरह आप हर डिज़ाइन को लेस पैचेस और बटन की मदद से भी खूबसूरत बना सकते हैं। टसल्स अटैच कर लें, टसल्स भी प्यारे लगते हैं। नेट फैब्रिक में हम आपको तमाम डिज़ाइनिंग दिखाते हैं ताकि आपको जो अच्छी लगे उस तरह की आप अपने बेबीज़ को पहना लें। और बेबीज़ तो वैसे भी कहते हैं, लेकिन इस तरह की डिज़ाइनिंग पहन कर वो और भी अच्छे लगते हैं। फिर से ये देखिए फ्रिल भी अटैच कर सकती हैं। अगर आप इस तरह की फ्रिल अटैच करना चाहें, फ्रिल से भी बहुत सी डिज़ाइनिंग बोल जा सकती है। व्यूअर्स, ये देखिए ब्लैक और मैरून का कम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त है। अंगरखा स्टाइल में बना लें, अंगरखा स्टाइल भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस कॉटन फैब्रिक हो या नेट फैब्रिक को देखा जाता है कि इन्हें कितना उमदा तरीके से स्टिचिंग किया गया है, ईजी टू स्टिच है। कसल्स आप नेकलाइन पर लगा लें, स्लीव्स पर लगा लें, दामन में लगा लें, तो ए लाइन शर्ट भी प्यारी लगती है। और इससे आप मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। आप जबला बनाना चाहें, अप डाउन फ्रॉक, और भी बहुत सी डिज़ाइनिंग है जो आप बना सकते हैं। नाइफ प्लेट नेकलाइन पर डालें, 6 या 8 तक डालें, बहुत अच्छी लगेंगी। फर्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे। ढेर सारी दुआओं में, ढेर सारी खुशियों में याद रखना, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।